भाजपा सरकार पर जमकर बरसे, अखिलेश कार्यकर्ताओं को दिया 2024 के रण में जीत के लिए मन। यूपी के बांदा में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की योगी सरकार जमकर हल्ला बोला। बांदा में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन शामिल हुए। आपको बता दें कि बांदा में लोक जागरण अभियान के नाम पर समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा था। आयोजन के पहले दिन मीडिया को दूर रखा गया ताकि 2024 की चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति पार्टी के बाहर न पहुंच सके, लेकिन दूसरे दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कार्यक्रम में अगुवाई करने पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य सरकार की तमाम खामियां बताते हुए अपने कार्यकर्ताओं को इन मुद्दों को जनता तक पहुँचाने की जिम्मेदारी तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लगाए जाने वाले आरोप पर भी पलटवार करने के मंत्र भी दिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस प्रोग्राम में हजारों की तादाद में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोश और हौसले के साथ अपने नेता की हौसला अफजाई। मीडिया से रूबरू सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड को भाजपा की सरकार में बदहाल करने का आरोप लगाया। सपा सुप्रीमो का कहना था कि सबसे ज्यादा आत्महत्या बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रही है, सूखा और बाढ़ में मदद नहीं है, किसानों की हालत खराब, बुंदेलखंड एक्सप्रेस के नाम पर क्षेत्र के साथ मजाक किया गया है, केंद्र सरकार का पानी पहुंचाने का वादा भी जुमला साबित हुआ है और बुंदेलखंड ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को का पत्ता साफ हो जाएगा। पत्रकारों और सपा कार्यकर्ताओं और दूसरे विपक्ष के लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखने और उनके घरों को बुलडोजर से गैर कानूनी ढंग से गिराए जाने को लेकर अखिलेश यादव आक्रोशित दिखे। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार अहंकार में डूबी है। वहीं यूपी और बुंदेलखंड में अखिलेश यादव ने एक तरफा जीत का दावा किया, वजह बताते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र में बर्बादी बदहाली को केंद्र में रखा। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का समापन कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शाम 4 बजे फतेहपुर के लिए रवाना हो गए। बांदा से संवाददाता विनय सिंह की रिपोर्ट। जनता अगर एक साथ बैठ करके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सुनेंगे तो आने वाले समय में क्या रणनीति बनानी है उसमें हमारी प्रेम बनाऊ और जब तक रणनीति बनाने में हम लोग कामयाब नहीं होंगे तब तक बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। दोनों हाथ बिजी है मेरे। लोक कल्याण, लोक जागरण, सिविल प्रशिक्षण देने का काम समाजवादियों ने किया है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार का घमंड, अहंकार स्वीकार न करना समस्या के लिए, ये इनका पतन का कारण बनेगा। सबसे पहले खासकर ये बांदा और चित्रकूट और खासकर बुंदेलखंड, यहाँ के लोगों को डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर, डिफेंस एक्सपो के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन आज भी 10 साल की दिल्ली की सरकार और जब तक चुनाव होगा लगभग 7 साल इस सरकार के पूरे हो जाएंगे, बुंदेलखंड वैसा ही का वैसा दिखाई दे रहा है। जहां गलत अलाइनमेंट दिया इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, उसके कारण 15,000 करोड़ खर्च होने के बाद भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोग नहीं है। अगर लोग चलते हैं तो उन्हें झूला झूलना पड़ता है सड़क पे चलने पर। मैंने कहा कि अगर एक्सप्रेसवे की नकल ही करनी थी तो उसके लिए बुद्धिमानी और अकल की जरूरत थी। आपने इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक नया भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है और तब जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी को धोखा देना। बीजेपी का ये एक्सप्रेसवे केवल यही नहीं, बीजेपी ने जो भी एक्सप्रेसवे किया वो भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखे हैं तो वो भी इसी तरह का है, गड्ढे हैं, जानवर घूम रहे हैं, इंडियन रोड कांग्रेस